व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्स हैपनिंग। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्य और मैं आपके लिए लेके आया हूं माइनक्राफ्ट का पार्ट 2। और इस पार्ट में मैं आपको काउ फार्म बनाना से बताऊंगा, फार्मिंग करना सिखाऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा, और जो मैंने ऑफलाइन में अपडेट करे हैं वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देरी से उसके लिए माफ़ करना। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पर्सन मोड पे। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने क्या क्या अपडेट करे। जो मेरा डर्ट का था मैंने उसको ब्लॉक से कर दिया है। मेरे इधर ट्रेडर भी आए थे, जैसे अभी भी आए हैं, मैंने इनको कुछ मारा भी है। भाई पहले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। मैंने नीचे नीचे सैंडस्टोन लगा दिए हैं, साइड साइड में ब्रिज और ऊपर ओक का लगा दिया है, और मैंने वो वाला गेट भी चेंज कर दिया। और ये देखो, अगर आपको ये मेरे घर का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने इधर 2 फर्नेंस लगा लिए, और मैंने जब ऑफलाइन था तो मैंने कुछ बहुत सारे अपडेट करे थे। मैंने कुछ लोगों को मारा भी था। मेरे पास अब 13 बोन है, और मेरे पास, और जैसे आप सोच रहे हो कि ये इधर लार्ज चेस्ट कैसे बना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, स्मॉल चेस्ट के इधर एक और चेस्ट लगाते तो लार्ज चेस्ट बन जाता है। अब आप देखो मेरे पास ये सामान नए हैं, और गाइस जब मैं ऑफलाइन था तो मेरे को इधर ये दिखा था एक, मैंने इसको कैप्चर कर लिया था इसके अंदर। और इसको कैप्चर करने का ये काम ये था, क्योंकि जब अगर हम इसकी ब्रीड करवाएंगे तो हमें स्क्यूट मिलेंगे। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टोन के टूल बना लेते हैं। तो मैंने कुछ अपने माइन, जो मैंने कबल स्टोन खोदे थे, उन कबल स्टोन को इकट्ठा करा था। उन कबल स्टोन को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और कुछ स्टिक्स बाहर निकाल लेता हूँ। सो गाइस, कबल स्टोन की चीज़ें बनाने का भी सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी, जैसे हमने पिछली बार वुड के वेपन बनाए थे, उसी तरह से हम कबल स्टोन के वेपन बनाएंगे। तो कबल स्टोन को हम यूँ रखते हैं, सबसे पहले हम एक पिकेक्स बना लेंगे, और एक एक्स बना लेते हैं, और एक शवल बना लेते हैं। अब हमारे पास स्टिक भी ख़त्म हो गई है, अब बस एक टूल और बनाना बाकी रह रहा है। हम थोड़ी सी और स्टिक निकाल लेते हैं, और मैंने स्टिक को एक ही रखनी होती है। और अब हमारे पास एक शोर्ड भी आ गई, तो हम अपने लकड़ी वाले टूल को रख देते हैं। अब इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ चुकी है, यानी कि जैसे हम पहले यूज़ करते थे तो थोड़ी थोड़ी देर में टूट जाती थी, ख़त्म हो जाती चीज़ें, अब वो नहीं होंगी। मैं एक बार इनको सेट कर लेता हूँ, ये मैं शवल को आगे रख लेता हूँ, और बाकी सामान हम वापस अपने चेस्ट के अंदर रख लेते हैं। और स्मोकर बनाने के लिए हमें लॉग चाहिए होते हैं, हम लॉग को ले लेंगे और अपने एक फर्नेस को तोड़ लेंगे। हम अपना फर्नेंस ले लेंगे, और क्राफ्टिंग टेबल पे इस फर्नेंस को बीच में लगाएंगे, और इसको एक इधर, इसके चारों तरफ एक एक लगा देंगे, फिर हमें एक स्मोकर मिल जाएगा। इस स्मोकर से क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी स्पीड होती है खाना खाने और पकाने की, जैसे आप देखना, अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ कोई चीज़ तो इसके अंदर बड़ा टाइम लगेगा, और इसके अंदर वो थोड़ी देर में ही बन जाएगा। अभी दोनों की स्पीड देख, इसमें 3 बन चुके हैं। तो देखा आपने जिस तरह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ चुकी है स्मोकर बनाने का। पर अब इसमें सिर्फ खाने की चीज़ें ही पका सकते हैं, और कोई चीज़ें नहीं पका सकते हैं। अगर आप सोचो कि आयरन को स्मेल्ट कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ खाने की चीज़ें स्मेल्ट होंगी। तो हम क्या फर्नेस से भी निकाल लेते हैं, चलो जब तक कोल है तब तक रख लेते हैं, हम इस सारे कोल को निकाल लेते हैं। और अब ऐसे हमने अपने लिए थोड़ा खाना भी ले लिया है, अब हम अपने लिए काओ फार्म बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। और स्मोकर में तो बन भी चुका है, तो हम स्मोकर में ही रख देते हैं। और ये जो हमारे पास, इससे थोड़े चारकोल बना लेते हैं। मेरे पास कुछ सीड होंगे, तो हमें सबसे पहले काओ फार्म को बनाने के लिए कुछ हमें उगाने पड़ेंगे। हमने हो तो बनाई नहीं, तो हम हो को बना लेते हैं सबसे पहले। मेरे पास स्टिक है, हो के लिए मैं डर्ट स्टोन का यूज़ करूँगा, और ऐसे लगाना है, और ऐसे। अब हमारे पास एक हो भी आ चुकी है, अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई तूने ये बात करा। रात में पहले हम सो जाते हैं थोड़ी देर, और शिट हमारे पास तो बेड है ही नहीं। पर गाइस, मैंने कुछ वूल इकट्ठी करी थी, तो हम क्या करते हैं, और मेरे पास अलग अलग कलर की वूल है, जैसे कि 2 ब्लैक है और 1 लाइट ग्रे है, ऊपर मेरे को कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक कलर का करेंगे। एक कलर करने के लिए मेरे पास ये फ्लावर है, मैं इनकी डाई बना लूँगा। मैं फ्लावर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब इसको एक बार रखेंगे तो ये डाई दे देगी, 3 काफ़ी रहेंगी।
अब मैं इसके अंदर ऐसे डाई करके डालूंगा, एक दो और ये तीन, मेरे पास तीन आ चुके हैं। एक बार मैं प्लैंक्स भी बना लेता हूँ, या प्लैंक्स ले आता हूँ। हाँ मैं थोड़े प्लैंक ले रहा हूँ, इन प्लैंक से अब मैं बेड बना लूँगा। बेड बनाने के लिए आपको तीन नीचे रखने होते हैं, तीन ऊपर रखने होते हैं। अब आपके पास एक बेड आ गया, अब इस बेड को मैं इधर इस साइड में लगाऊंगा, इस ऐसे हो गए, और मैं इस पे सो जाऊंगा। अब हमने इस वाले में अपना बेड भी बना लिया है, अब हम बाहर चलते हैं, हम थोड़ी सी फार्मिंग करेंगे। मैं इधर ही फार्मिंग कर लेता हूँ। चार, मेरे पास आठ शेर है, और हम इनको मार देते हैं। अभी आपस में लड़ने लग जाएंगे, मैं तो बाहर निकलूँ। इससे हमें दो लीड और दो लेदर मिल चुके हैं, इनको हम अपने चेस्ट में रखे आते हैं। मेरे पास अब चार लेदर हो गए और छह लीड हो गई। हम एक खाना रख देते हैं इनमें से कोई एक, जब तक हमारी चीज़ें फार्म थोड़ा रेडी है, तब तक हम अपने लिए काउ कर ले। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, एक बोट बना लेते हैं, हम साइलेंट से जाएंगे अगले तक। तो मैं अगले पार्ट में क्या करूँगा, हम इस आइलैंड से जाएंगे और किसी दूसरे आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इधर ही रहूँ तो आप कर सकते, मतलब आप मेरे को बताना। अब हम अपने काव फार्म बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक फेंस बना लूँगा। फेंस बनाने के लिए आपको लकड़ी और ये चाहिए, और लीड ले लेते हैं हम, और इस पे जाएंगे। और ये हमारे आ गए, तीन तीन छः और 12, 15, 15 ठीक रहेंगे मेरे ख्याल से। तो मैं इन फैंस को इधर लगा दूंगा, और ज़्यादा बच गया तो कोई बात नहीं, मेरे फ्यूचर में काम आ जाएंगे ये फैंस। तो मैं इधर लगा देता हूँ, एक दो तीन और चार, 4x4 का बना लेते हैं, और इधर से भी कर देते हैं, एक दो तीन चार, और एक दो तीन, और यहाँ से भी कर देता हूँ मैं, एक दो तीन चार। अरे इधर थोड़े कम पड़ गए, मैं भी बना के लाता हूँ। और गाइस हमने एक गलती कर दी कि जो हमने फार्मिंग करी है ना, उसको पानी देना तो हम भूल ही गए। तो अभी क्या करेंगे, आके हम उसको दूसरी तरफ उगाएंगे। तो पहले मैं पहले फेंस वाला काम कंप्लीट कर लूँ, पहले मैं और फेंस बना लेता हूँ। तीन तीन छः, छः काफ़ी रहेंगे, छः काफ़ी रहेंगे। मैं ऊपर चलता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं। अरे गेम गाइस, मैंने एक सीन काट दिया क्योंकि गेम लैग पड़ गई थी। तो मैं इनको हटा लेता हूँ, इन सीड को, और मैं उनको उस हिल साइड पे, रिवर साइड पे उगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इनके इन डर्ट को तोड़ूंगा, इन डर्ट को तोड़ता हूँ। गाइस मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। भाई मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता तो हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, और आप एक लाइक भी नहीं मारते हो, और मतलब कुछ रिस्पोंड ही नहीं देते हो। तो मैंने अब मैं हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो मैं इधर भी लगा देता हूँ। अब तो मैं आठ ही डट लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास आठ सीड है, तो मैं ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमने चार लगा ली, और एक पाँच, अरे पाँच छः, अरे आठ ही हो गई, मैं छः गिन रहा था इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं तो मैं हो से जैसी टैप करूँगा ना, तो ये मतलब फील्ड बनने लग जाएगी हमारी, क्रिएट होने लग जाएगी। तो मैं आठ चाहिए थी तो मैं आठ पे कर दूंगा। अरे मेरे हाथ में मटन कहाँ से आ गया। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने हो को टैप करा था, उसी तरह से हम सीड को भी टैप करेंगे, और जब ये ग्रो हो जाएंगे तो ये वीट बन जाएंगे। अब ये नहीं है जितनी सीड लगाई है तो उतनी वीट मिलेंगी, कभी कभार ज़्यादा ही मिल जाती है, कभी कभार कम भी मिल जाती है इनमें से। तो ये उनको ग्रोथ होने में तो टाइम लगेगा, तब तक हम उधर देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक डर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि हम बार बार तोड़ तोड़ के तो अंदर आएंगे नहीं, तो जिस तरह क्या होगा, काऊ, जाकर हम काऊ की फार्म कर रहे हैं तो काऊ तो अंदर आ जाएगी पर वो बाहर नहीं आ पाएगी, फैंस से अटक जाएगी।
तो हम क्या, हम वेट करने से बढ़िया मेरे को एक और तरीका पता है। तो हमारे पास बोन पड़ी है, तो मैं उन बोन से बोन मील बना लूँगा। अब बोन मील बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको बोन मील बना के इस पर टैप करना होगा तो ये ग्रो हो जाएगी। जैसे हम नेट नॉर्मली टैप करते हैं उस तरह से टैप करना है। तो हम बोन मील बनाते हैं, तो बोन मील बनाने के लिए हमें पहले बोन लेंगे और उसको अपनी क्राफ्टिंग टेबल या अपनी ओन वाली जो हमारे में पहले से क्राफ्टिंग होती है उस पर जाएंगे, बोन को रखेंगे। मैं सिर्फ दो की बनाऊंगा, छः काफ़ी रहेगी, क्योंकि पता है बहुत काफ़ी रहेगी। दो, अगर दो बोन मील मारते हैं तभी पूरी ग्रो हो जाती है वो। तो अभी हम बाहर जाते हैं और उसके जैसे टैप कर रहे थे नॉर्मली वैसे ही टैप करेंगे फिर से। तो एक दो टैप करा मैंने और इस पर भी कर देता हूँ, सारी बोन मील यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए आप, इधर बन चुकी है मेरी वीट, तो मैं इनको तोड़ लेता हूँ। ये टूटा और ये भी टूटा, अभी वो थोड़ी कच्ची है तो हम उसको थोड़ी बाद में तोड़ेंगे। मेरे पास दो वीट आ गई है और चार सीड आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, काओ को बुलाएंगे। तो काओ को बुलाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम दिखाएंगे। अरे उधर के क्रीपर भी है, अब दोनों काओ आ गई है। आ जाओ आ जाओ, ये अंदर आएंगी, ये तो मेरी माइन है और ये, इसके अंदर हम भी घुस जाएंगे। अब जैसे होता है, जैसे हम अंदर जाएंगे तो ये भी अंदर आ जाएंगी। जैसे देखना, ये दो आ गए, दोनों के दोनों अंदर आ गए। अब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक एक खिला भी देते हैं जिस तरह वो ब्रीड कर ले। गाइस अगर गेम लैग पड़ रही है तो माफ़ करना, उसका वो कुछ गलती इस कारणों से हो गया था। मैं क्या करूँगा, जब तक वो ब्रीडिंग कर रहे हैं तब तक मैं तोड़ के बाहर चले जाता हूँ और उसको वापस बंद कर दूंगा जिस तरह बाहर ना निकले। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और उसका पार्ट 3 भी मैं जल्द ही ले आऊँगा, और उस पार्ट 3 में हम इस आइलैंड को लीव करेंगे क्योंकि हम इधर नहीं रह सकते, इधर रिसोर्स नहीं है। और उस पार्ट की 3